जम्मू कश्मीर में सेना का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, 3 अलग अलग एनकाउंटर में 12 आतंकी ढेर। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 3 जवान भी शहीद, 4 नागरिकों की भी गई जान। शोपिया में 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में मारे गए 11 आतंकी, 1 अनंतनाग में मारा गया। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान 1 आतंकी जिंदा पकड़ा गया। शोपिया में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों पर पथराव। एनकाउंटर के खिलाफ आज घाटी में अलगाववादियों ने बुलाया बंद, बंद के चलते स्कूल कॉलेज बंद। SC/ST एक्ट को लेकर आज दलित संगठनों ने बुलाया भारत बंद, कई राज्यों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। बंद के चलते पंजाब में सभी स्कूल कॉलेज बंद, आज होने वाली CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित। यूपी के बहराइच में बीजेपी सांसद साध्वी सावित्री बाई फूले ने भी बंद का किया समर्थन, लखनऊ में प्रदर्शन में होंगे शामिल। SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया ट्वीट। इराक के मोसुल में मारे गए 39 भारतीयों के आज लाए जाएंगे भारत अवशेष, सबूतों के साथ परिजनों को सौंपा जाएगा। CBSE तक पहुंची पेपर लीक की आज परीक्षा केंद्र में लापरवाही बरतने पर 1 अधिकारी सस्पेंड। CBSE पेपर लीक मामले में 2 टीचर समेत 3 लोग गिरफ्तार, 1 कोचिंग सेंटर का मालिक भी शामिल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में परीक्षा से 1 दिन पहले लीक हुआ FCI का पेपर, 2 दलाल समेत 50 लोग गिरफ्तार। वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने के मामले में ICICI बैंक की CEO चंदा कोचर से पूछताछ करेगी CBI, पति दीपक कोचर से भी होगी पूछताछ। कर्नाटक में चुनाव से पहले भारी मात्रा में कैश जब्त, बागलकोट में कार से मिले 14 लाख से ज्यादा के कैश। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।